Okay, I can see myself. Let me just put a quick reminder. Good afternoon, everybody who is on time. Very good. So, ये टाइम पे तो आई लाइक टू डिस्टर्ब चिल्ड्रन एन आफ्टरनून टाइम. हाय श्रेय, हाय विश्वेश, गुड आफ्टरनून. ओके, ही सेड दैट इन द मॉर्निंग. कूल. ठीक है गाइस, सो होपफुली ऑडियो इज फाइन. आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो, सो आई थिंक इट शुड बी फाइन. लेट मी जस्ट, हाँ सुनाई दे रहा. स्केर्ड ऑफ माई ओन वॉइस. ठीक है गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर. दिस इज योर अप्लाइड केमिस्ट्री, बेस्ट काइंड ऑफ केमिस्ट्री, वेरी सिंपल सिंपल. तीनों चैप्टर्स का वेटेज नैनो का भी है, बट नैनो इज सो, इट इज सो नैनो दैट यू, आई डोंट नो वेदर आई शुड इवन कवर इट हियर. ठीक है, ऑल थ्री चैप्टर्स हैव द सेम वेटेज, बट दे आर रिलेटिवली नॉट वेरी डिफिकल्ट. इवन दो इसमें रिएक्शंस है, सब कुछ है, बट यू डू इट वंस, इट सिट्स इन योर माइंड नाइसली. इट्स नॉट सो कन्फ्यूजिंग लाइक योर अदर ऑर्गेनिक चैप्टर्स. सो प्लीज़ एटलीस्ट ये तो तीनों कर लो, कुछ भी करके, कोई ऑप्शन नहीं इसमें, ये तो आपको करना है, राइट? तीन सॉलिड फिक्स्ड. फॉर द न्यू बच्चावाड़ी, हाई आई एम विमला, आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर और एंड आई हैव बीन टीचिंग लवली चिल्ड्रेन. बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे. हाय सारिका, हाय सात्विक, हाय केशवराज, गुड आफ्टरनून, हाय गौसिया. सच अ लवली नेम, वाव. आई थिंक कमिंग ऑन अन अकेडमी आई हैव हैड एक्सपोजर टू सम ब्यूटिफुल नेम्स विच आई हैव नेवर हर्ड इन माई एंटायर लाइफ. यस, हाय निलेश, हाय परफेक्टो गेमर्स, वाव. यस, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मैम हु हैज़ नेवर प्लेड अ गेम इन हर एंटायर लाइफ, सो दैट्स ग्रेट. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो काफ़ी सारे बढ़िया फीचर्स वेबसाइट के लिए भी लॉन्च हुए, विच वर देयर प्रीवियसली ओनली फॉर दी ऐप. सो दैट मीन्स लैपटॉप यूजर्स ऑल्सो, यू कैन एक्सेस ऑल योर डाउट्स हियर, नो प्रॉब्लम. आस्क अ डाउट फीचर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू आर एक्सट्रीमली हाई टेक चिल्ड्रेन, है ना? तो हम आपको समझा रहे हैं, दैट मेक्स नो सेंस, है ना? इट इज़ यूजली द अदर वे अराउंड नाउ. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, विच मोस्ट ऑफ यू आर, विच इज़ वेरी गुड, राइट? स्ट्रगल से तो कुछ अच्छा निकलेगा. यस, सो योर एग्जाम्स आर गोइंग टू गो ग्रेट, बिकॉज पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छा ही होगा. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्सेज को टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. वंस यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज ग्रेट फीचर्स. प्लान्स का डिफरेंस यू नो इज प्राइमरीली बिकॉज आइकॉनिक में देर इज अ मेंटर विच इज़ नॉट देयर फॉर प्लस, बट सारे फीचर्स जो है प्लस के वो आइकॉनिक में भी है, एज वेल एज मैनी मोर. ओके, सो वील स्टार्ट विथ पॉलीमर्स एंड देन वील जम्प टू बायोमोलिक्यूल्स. ओके, सो इफ यू डू दिस, इट इज़ नॉट, समटाइम्स चिल्ड्रन थिंक, अरे ये कर लिया तो वेस्ट हो गया, है ना? इफ़ आई डोंट डू वन, इफ आई डू वन चैप्टर, उसमें से इफ आई डोंट गेट टू मेनी क्वेश्चंस, देन इट फील्स लाइक अ वेस्ट. इट्स नॉट अ वेस्ट गाइज, नथिंग इज अ वेस्ट. वंस यू लर्न समथिंग, इट इज़ लाइक गोल्डन टू योर माइंड, है ना? नथिंग गोज टू वेस्ट. सो यू शुड अप्रोच इट विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट कि आई एम लर्निंग समथिंग, एंड वेन यू डू दैट, इट विल ऑलवेज कम टू यूज सूनर और लेटर. येस, समटाइम्स इट कम्स टू यूज इवन 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन. सो यू नेवर नो, यू शुड कीप एन ओपन माइंड. येस, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीमर्स. इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? आपने पढ़ा है, योर कॉलेज लेक्चर्स यू मस्ट हैव अटेंडेड, एंड यू मस्ट हैव अटेंडेड सम स्पेशल क्लासेज ऑल्सो. सो आई विल नॉट फोकस टू मच ऑन क्लासिफिकेशन बिकॉज यू नो इट. इफ़ यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क. ओके, तो पॉलीमर जो है बहुत ही सुंदर ब्रांच है केमिस्ट्री का. इट इज़ एन एंटायर फील्ड वेयर वेरी रिगरस इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इज डन, बिकॉज इसके जो एप्लीकेशन है दे आर लिमिटलेस, है ना? हाउ मच एवर यू ट्राई टू फाइंड, देर इज ऑलवेज सो मच मोर. सो इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द डिफरेंसेज इन दैम, आई कैन क्लासीफाई दैम बेस्ड ऑन सोर्स. सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है, वेर एम आई गेटिंग इट? एम आई गेटिंग इट फ्रॉम नेचर? नेचर में हमारे पास क्या है? पेड़ पौधे, वी हैव प्लांट्स एंड वी ऑल्सो हैव एनिमल्स. येस, सो इफ आई गेट कॉटन, कॉटन इज अ प्लांट पॉलीमर, बट इफ यू टेक सिल्क, सिल्क इज एन एनिमल पॉलीमर. येस, सेकेंड इज योर सिंथेटिक, दैट मीन्स यू कंप्लीटली मेक इट इन द लैब, आपने कोई भी प्लांट ओरिजिन यूज नहीं किया है. एंड थर्ड, इफ़ यू टेक वन प्लांट सोर्स एंड यू टेक वन एनिमल सोर्स, वन प्लांट सोर्स एंड वन सिंथेटिक सोर्स, देन यू गेट सेमी सिंथेटिक. ओके, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ.
सेकेंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आई कैन क्लासिफाई, वी हैव लीनियर. वॉइस लो है, ओ गॉश ये क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन नाउ? इज इट ओके नाउ? अपने आप वो कम होता है, ज्यादा होता है, पता नहीं क्या होता है. आई थिंक इट शुड बी बेटर नाउ. ठीक है, ओके. सेकेंड इज बेस्ड ऑन बाय निलेश. सेकेंड इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब व्हेन यू लुक एट द पॉलीमर यू कैन सी कि वो कैसा है. कुछ पॉलीमर तो सीधे सीधे रहता है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है ना, ऐसे करके आपको कुछ ब्रांचिंग कुछ नहीं दिखेगा, राइट. सेकेंड कैटेगरी इज व्हेन देयर इज ब्रांचिंग. ब्रांचिंग कैन बी 1, 2, 3, 4 कितना भी है, बट मिनिमम यू हैव टू हैव समथिंग. यस, सो दैट इज ब्रांच. क्रॉस लिंक्ड मीन्स बहुत सारे ब्रांचेज और वो इंटरकनेक्टेड, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेब, है ना. स्पाइडर किसी को पसंद नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ स्पाइडर वेब. यस, सो दिस इज वॉट, दिस इज क्रॉस लिंक्ड. एंड ऑब्वियसली विद योर हाई स्नेहल, सो इफ यू इमेजिन विच इज द स्ट्रांगेस्ट, डेफिनेटली यू कैन थिंक कि जिसका ज्यादा सपोर्ट है दैट इज द स्ट्रांगेस्ट, है ना. ओके, सो लीनियर ब्रांच्ड एंड क्रॉसलिंक में क्रॉसलिंक्ड इज द स्ट्रांगेस्ट बिकॉज इट इज हैविंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर कनेक्शन विच इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. नेक्स्ट वी कैन बेस देम ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज. वी हैव इलास्टोमर्स, वी हैव फाइबर्स, वी हैव थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. सब इन आवर कंट्री तो हम बचपन से वी यूज इलास्टिक रबर बैंड, है ना, चोटी बांधने को. हॉरेबल, राइट. स्कूल में दिस टू से कि दो चोटी बांधना, हम लाइक वॉट इज दिस एडिक्शन टू टू चोटी, वाई कॉन्ट इट बी वन चोटी. एंड आई इज टू हेट दोज टू चोटी वाला, इट इज टू, मतलब वो एनाबेल जैसा लगता था मुझे, बट या क्या करें, सैड लाइफ. यस, सो दोज इलास्टिक्स दैट यू यूज रबर बैंड का, दोज आर वॉट इलास्टोमर्स. यस, इट इज़ अ पॉलीमर. एवरीथिंग यू लुक अराउंड यू इन लाइफ इज समवेयर और द अदर यू विल फाइंड योर पॉलीमर्स. कहाँ गया भाई? ठीक है, सो योर इलास्टोमर्स इफ यू स्ट्रेच देम ऑफकोर्स दे हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी, बट वंस यू लीव देम दे विल कम बैक टू देअर ओरिजिनल शेप. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, बूना एस है, बूना एन है, नियोप्रीन है, जो लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर इट इज सिंथेसाइज. देन वी कम टू फाइबर्स. ओ माई गॉड, इन जो हमारा अभी टेम्परेचर है इट्स फॉलन क्वाइट लो, है ना. आई एम यूजली विंटर में ऐसे ही घूमती हूँ ना, छपरी स्टाइल, नो स्वेटर, नथिंग, ऐसे ही मजा आता है ना, बिकॉज वी आर We like to flaunt. Mumbai people like to flaunt our winters, that it's not too cold and it's not too not cold. It's the perfect kind of weather. But this winter has been hard. So my focus has been by fiber. Yes, good kind of wool or something which is going to be warm, provide so much comfort. Yes, so हमारे पास बहुत सारे fibers हैं. Rainy season में तो we usually prefer polyester, है ना, because it dries faster. कॉटन तो ज़्यादातर आई नेवर वेयर रेनी सीजन बिकॉज पूरा भीग जाता है, इट्स नॉट फन, राइट. देन वी हैव योर पॉलीअमाइड्स विच इज़ नाइलॉन, राइट. सो दीज आर ऑल ऑफ योर फाइबर्स, दैट मीन्स दे आर यूज टू मेक क्लोथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देन वी हैव थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग आर सिमिलर बट डिफरेंट इन द सेंस दैट थर्मोसेटिंग को आपने सेट कर लिया, राइट. फॉर लाइफ इट इज सेट. It has said कि if I you have made me into a box shape, हम box ही रहेंगे अखा life, you cannot change me. But plastic को हम change कर सकते. If you take a thermoplastic polymer, you heat it slightly, again you can change its shape. ठीक है, so इसका shape can be changed on heating, whereas इसका cannot be changed ever again. है ना, एक बार आपने सोच लिया तो बना लो चुपचाप, use कर लो. Silk, yes. नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. हम पॉलीमर बना सकते हैं सिंपली बाय एडिशन. दैट मीन्स जब भी आप एडिशन एग्जाम्पल यूज़ करोगे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ डबल बॉन्ड, है ना, बिकॉज ओनली वेन द डबल बॉन्ड विल ब्रेक देन इट विल पॉलीमराइज अक्रॉस इट. कंडेंसेशन पॉलीमर में यू हैव टू हैव मॉलिक्यूल्स विच विल रिमूव समथिंग स्मॉल. तो यूजली इसमें क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं,
दो मॉलिक्यूल्स को वी ब्रिंग देम टुगेदर, रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देम एंड दे बेसिकली टुचुक करके दे कंडेंस. थर्ड इज रिंग ओपनिंग. दिस इज द क्यूटेस्ट वन बिकॉज इसमें एक ही रिएक्टेंट चाहिए, राइट, जस्ट लाइक नाइलॉन 6. तो यू हैव वन बिग रिंग, रिंग ऑब्वियसली क्लोज्ड है. उस रिंग को जब आप ओपन करते हो, द पॉइंट एट विच इट ओपन्स, इट विल अगेन स्टार्ट पॉलीमराइजिंग फ्रॉम देयर. एंड लास्टली, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स, देयर आर सम काइंड ऑफ पॉलीमर्स जिसमें यू रिक्वायर ओनली वन रिएक्टेंट, है ना, एक ही रिएक्टेंट चाहिए, उसी से सब कुछ बन जाता है संसार. दैट इज अ होमो पॉलीमर. वन आर श्री, वन आर. कलर चेंज, ये रेड नहीं करना है बिकॉज ये वाइट पे रेड ही दिखाई दे रहा है ना. ब्लैक करूँ क्या? ब्लैक करते. ओके, नेक्स्ट वी हैव को पॉलीमर. को पॉलीमर मीन्स वेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ पॉलीमर बट यू यूज मल्टीपल रिएक्टेंट्स, इट कैन बी 1, 2 जितने भी है. तो इसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स आर यूज्ड टू मेक अ को पॉलीमर. एंड फाइनल कैटेगरी इज डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल में बहुत ही कम है, ठीक है गाइस. तो अगर आप चूज़ करते हो पॉलीमर केमिस्ट्री इन योर लाइफ अहेड, प्लीज़ कुछ तो करो इसके बारे में कि मोर रिसर्च हैज़ टू बी डन इन द बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी, बिकॉज ये सब जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही ख़राब है फॉर द एनवायरनमेंट. यू नो दैट प्लास्टिक इज़ बेसिकली क्लॉगिंग अप एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट. इवन दो एप्लीकेशंस आर गुड, बट वंस यू थ्रो इट, इट इज़ हॉरिबल. यस, अमेजोन को भी कोई बोलो कि भाई इतना क्यों कचरा जमा कराते हैं, है ना. यू बाय वन आइटम, है ना. इधर हमने एक साबुन खरीदा, इतना सा पैकेजिंग, इतना. यस, बाय द टाइम यू रीच द आइटम यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैड ऑर्डर्ड, है ना. इट इज़ वेरी वेरी ट्रेजिक. चलो गाइस, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स टुडे. पूरा चैप्टर तो ऑब्वियसली कोई करेगा नहीं इन वन आवर. येस, ऑल द इम्पॉर्टेंट वंस जो रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में, दैट वी विल डू. चलो लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ आर पॉलीथीन. पॉलीथीन द थैली दैट यू कैरी और ग्रोसरीज इन. अगर आपको कुछ भी खरीदना है, इसमें से एक आप यूज़ करते हो, राइट, नॉट बोथ. फॉर प्लास्टिक बैग्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन. वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, वन इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. Okay, they are different, they are not the same. Hain? YouTube पे क्यों पिछवी? Yes. YouTube पे special लेते ना, मतलब ये question में I am having a question in this question. चलो low density करते हैं. Low density में आपको बहुत ही दर्दनाक कंडीशंस चाहिए. यू रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर, 1000 to 2000 ATM प्रेशर. दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर गाइज, बिकॉज यूजली हम बहुत ही 10-15 तक करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है. टेम्परेचर ऑफ 350 to 570 Kelvin. And you also have to use traces of oxygen or peroxide as an initiator. When you do low density polyethylene, जो आपको product मिलता है, that is a branched polymer. Okay? क्या मिलता है आपको? You get a branched polymer. Whereas in high density polyethylene, you get a linear polymer. Okay? Branched कैसा है? झाड़ जैसा है. Linear कैसा है? Train जैसा है. Hi Reva. इग्नोर नहीं आया, आस्ट यू श्रे, आस्ट मतलब क्या है? यूट्यूब पे क्यों स्पेशल लेते ना, इसका मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड. ठीक है, तो कैसे होगी ये बात? पॉलीथीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईथीन. यूजुअली सारे, नॉट सारे, मोस्ट ऑफ देम, ये जो पॉली, अगर आप वर्ड हटाओगे, है ना, यू रिमूव द वर्ड पॉली फ्रॉम द नेम, द रिमेनिंग पार्ट इज योर मोनोमर. यस, तो मोनोमर क्या है इसका? ईथीन है. ईथीन सबको पता है इज एन एल्कीन. व्हेन यू ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, व्हेन यू डू व्हाट, हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 to 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट लो डेंसिटी, एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर ऑफ 350 to 373 Kelvin, तो दीज बॉन्ड्स ब्रेक एंड उसके अक्रॉस जो है एडिशन होगा. बट नाउ इट विल गो अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड, सो आई विल नॉट ड्रॉ इट राइट हियर. ठीक है,
वेर एज इन हाई डेंसिटी वो एक ही चेन में जो है ग्रो होगा. यस, सो दिस इज द सिंपलेस्ट ब्रांच विच इज एडिशन पॉलीमर. हाँ प्रेम, बिकॉज आई डोंट, बिकॉज द टीम दैट डज इट इज डिफरेंट. अच्छा यू सेड इग्नोर इट. अच्छा, ये बच्चा ना हमेशा चाकू लेके ही बैठा रहता है ना, कोई तो ले लो इसके हाथ से चाकू. नेक्स्ट नेक्स्ट वी कम टू पैन विच इज पॉली एक्रिलो. वॉट डू हैव टू कीप इन माइंड दैट लो डेंसिटी ब्रांच्ड है, हाई डेंसिटी लीनियर है. यस, नेक्स्ट वी कम टू पॉली एक्रिलो नाइट्राइल. ठीक है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल है ना. फ्रॉम दिस यू नो वॉट इज द फंक्शनल ग्रुप, इट इज नाइट्राइल. नाइट्राइल क्या है, इट इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन. ओके, नो प्रॉब्लम प्रेम, होपफुली यू आर फीलिंग बेटर नाउ. ठीक है, सो एक्रिलो नाइट्राइल इज आवर मोनोमर, बिकॉज हम पॉली को इनिशियली इग्नोर करते हैं. वॉट इज एक्रिलो नाइट्राइल, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन. यस, दिस इज वॉट, दिस इज एक्रिलो नाइट्राइल. When you take acrylonitrile and you polymerize it in the presence of peroxide, क्या होगा? You are not doing anything to this cyanide का bond, ठीक है? इसको बिल्कुल touching नहीं करना है, इसको रहने दो life में. Yes, what are you going to break? You are going to break this bond, है ना? इसको आप तोड़ रहे हो, तो only focus on that, है ना? That is your point of focus. तो जहाँ पर bond टूट रहा है, you are getting CH to CH. C ट्रिपल बॉन्ड N. Wherever the bond is breaking, उस कार्बन के अक्रॉस आपको बॉन्ड को ग्रो करना है. सो हियर वन एंड हियर वन एंड देन ड्रॉ द स्क्वेयर ब्रैकेट. यस, नो आइडिया निलेश. ओके, दिस इज़ गुड इफ़ यू हैव रिटन इट टिल हियर, वेरी गुड, बट इट्स नॉट कम्प्लीट बिकॉज ये आप एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन लिख लो. नहीं, हेयर स्टाइल नहीं चेंज किया है, बाल सूखे हैं. फॉर द पास्ट कपल ऑफ सेशंस आई वॉज कमिंग विद वेट हेयर, नो दैट्स व्हाई. इसीलिए सूखे बाल एंड गीले बाल, दैट ओनली टू लुक्स आई हैव. ठीक है, सो इसमें यू हैव टू मेक श्योर यू यूज एन नंबर ऑफ मोल्स. एन एन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीमर का रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पर बेस एन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल. ठीक है, वॉट इज पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इट इज आर्टिफिशियल वूल. दूसरा नाम है इसका ऑर्लॉन और आर्टिफिशियल वूल, है ना, बिकॉज आपको पता है वूल इज का, यू गेट वूल फ्रॉम शीप. बेचारा शीप का जो ठंडक है उसको हम छीन रहे. यस, सो दिस इज आर्टिफिशियल वूल, नॉट एन एनिमल सोर्स. एब्सेंस ऑफ H2O. यस यस, दैट्स राइट. नेक्स्ट वी कम टू पॉलीअमाइड. पॉलीअमाइड में तीन है टेक्निकली. यू हैव नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6 एज वेल एज नाइलॉन 2-6, बट 2-6 तो बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस, वी लाइक इट. So all polyamide polymers have the amide linkage which is C double bond O NH, है ना. ये है हमारा amide linkage. तो सभी के अंदर ये तो होगा ही. Nylon 6-6 बोलो, 6 बोलो या 2-6 बोलो. ठीक है, Nylon 6-6 is especially important because direct MCQ question आता है इसका एक mark का, that what are the monomers of it. What is monomer of Nylon 6-6? Adipic acid and hexamethylene diamine. Along with the structure, you should know it. Adipic acid. Acid मतलब क्या है? COOH है. Yes. दो COOH है. It is nylon 6-6. That means दोनों carbons में छः, दोनों reactants में 6-6 carbons are there. So how do I make this 6? दो यहाँ पर 1 और 2 हो गए, तो बीच में कितने रहेंगे? 4 रहेंगे. So total number of carbons is 6. Yes. So this is your adipic acid. Similarly, we look at hexamethylene diamine. Hexa means 6, methylene means CH2. This is hexamethylene, diamine means NH2. Kitne NH2? 2, because di likha hai. To ye ho gaya diamine. To ye hai mera adipic acid, hexamethylene diamine. Isko jab aap condense karte ho, to aapko milta hai polymer.
Shreyansh, that's his name. In his name only, it is like free. Everybody gets it for free. यस ठंडक दे रहे गर्माहट छीन रहे यस यस वेरी ट्रू चोर है चोर ठीक है ओके तो इसमें क्या होगा व्हेन यू कंडेंस इट यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा के लेट मी ड्रॉ इट इन अ वे कि ये ओ एच और ये एच व्हेन दिस गेट्स रिमूव्ड देन इट इज गोइंग टू कम टुगेदर एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट बाकी सब स्ट्रेट लिखो C-O-O-NH-CH2-6-NH2-C-OH है ना ये मिलता है आपको यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि दिस इज देयर इन योर कंपाउंड है ना बिकॉज ये क्या है यही तो मेन है दिस इज योर अमाइड लिंकेज है ना अमाइड लिंकेज को मैसअप मत करो एन एच टू एन कुछ मत करो इट इज सी डबल बॉन्डो एन एच नाउ व्हेन आई राइट इट लाइक दिस दिस इज नॉट अ पॉलीमर रिएक्शन बिकॉज आपको पता है पॉलीमर इज नॉट वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इट इज हंड्रेड्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोज रिएक्टेंट्स है ना तो यू हैव टू मैंशन एन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट में यू हैव टू राइट एन एडिपिक एसिड एन इथिलीन डायमीन एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट हैज टू ओनली हैव द रिपीटिंग यूनिट दैट मीन्स ये एंड का जो है इसको हटा दो ओके बिकॉज द चेन इज गोइंग टू ग्रो तो ये होगा सी डबल बॉन्डो और उस तरफ होगा मेरा एन एच टू द बेस एन दिस इज योर प्रोडक्ट विच इज नाइलॉन 6-6 इट हैज़ टू बी रिटन इन सच अ वे दैट बार बार हम रिपीट ना करें है ना अगर मेरा कंपाउंड पॉलीमर बना रहे ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके तो हम इसका कैसे लिखेंगे मोनोमर स्टाइल वी विल ओनली राइट ए बी ब्रैकेट राइट वी विल नॉट राइट ए बी ए ब्रैकेट है ना बिकॉज ये ए वापस रिपीट हो रहा है हमको नहीं चाहिए तो मेक श्योर दैट यू राइट द मोनोमर्स कीपिंग ओनली द रिपीटिंग यूनिट इन माइंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल सोमेश यू हैव टू फर्स्ट मेक अ फॉर्मूला बुक उसके बिना कुछ नहीं होता है लाइफ में ठीक है इट विल टेक यू मैक्सिमम लिस्ट करो सारे फॉर्मूलाज को ट्राई टू सॉल्व द सॉल्व्ड वंस एंड अगर आपको चाहिए तो हम एक सेशन रख सकते हैं फॉर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज वाले बट हियर आई कैन टेल यू हाउ बट मेक श्योर कि फॉर्मूलाज आपको याद है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी फिजिकल चैप्टर नेक्स्ट वी कम टू नाइलॉन 6 नाउ नाइलॉन 6 में क्या है दिस इज अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन दैट मीन्स एक ही रिएक्टेंट है बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्यूट सा है रिएक्टेंट सिंगल तो वी रिक्वायर एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम एप्सिलॉन कार्बन मीन्स यू हैव द सी डबल बॉन्डो एन एच हियर ठीक है ये रहा मेरा सी डबल बॉन्डो एन एच इससे अटैच्ड एक कार्बन विच इज़ अल्फा उससे अटैच्ड एक कार्बन विच इज़ बीटा देन वी हैव कार्बन गामा देन वी हैव कार्बन डेल्टा एंड देन वी हैव कार्बन एप्सिलॉन है ना सो दैट इज वॉट दे मीन बाय एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम दैट यू हैव 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन अटैच टू द मेन फंक्शनल ग्रुप विच इज योर अमाइड है ना अमाइड है ये रहा दिस इज माई अमाइड लिंकेज एंड दिस इज हाउ वी काउंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन व्हेन यू हीट दिस एट 533 to 543 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर What happens? Bond break हो जाता है कहाँ पर break होता है At this juncture, यहाँ पर जो है इस carbon पे bond is going to break. When it breaks, it is going to obviously open because ring को अगर आप तोड़ते हो Yes, right, Prema said right. 4 to 5, right. Okay, so one डायरेक्शन में एन एच है और दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा सी डबल बॉन्डो है ना इनको मैंने बीच में तोड़ दिया है इन द मिडिल हाउ मेनी कार्बन आर देयर यू कैन सी ये कितना है 1, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आर देयर तो यहाँ पर क्या होगा सी एच टू 5 यस सभी जगह पे एच टू भी डाल दो सो दिस इज वॉट दिस इज योर
प्रोडक्ट विच इज़ नाइलॉन 6. वाई ओनली 6? बिकॉज एक ही कार्बन है इसमें, एक ही रिंग है जिसमें 6 कार्बन है. श्रेय, नो दैट इज ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन. ऑल गुड गाइज, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 6. चलो नेक्स्ट, लेट्स कम टू पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर इज दैट ब्रांच जहाँ पर लिंकेज कौन सा है, एस्टर का लिंकेज है. नाउ अमाइड हमने छोड़ दिया, अभी हम एस्टर पे आ रहे हैं. एस्टर के लिए हमारे पास दो रिएक्टेंट चाहिए. वन इज योर इथिलीन ग्लाइकॉल एंड द अदर रिएक्टेंट इज योर टेरिफ्थेलिक एसिड. यस, इथिलीन ग्लाइकॉल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू नो ग्लाइकॉल में दो OH रहते हैं. So you get CH2 CH2 OH OH, you know, this is very straightforward. But terephthalic acid, you have to remember, has a benzene ring in it. और ये बहुत symmetrical है. हमने अभी तक सारे जो compounds किए हैं in multiple reactants, they are all very symmetrical. मतलब अगर आप cut करो molecule को, right and left hand side same है, so it's easy to remember. तो terephthalic acid में एक side पे double OH है, COOH, दूसरे साइड पे भी वी हैव अनदर COOH, है ना. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंडेंस इट, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू कम टुगेदर बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल. ये रहा मेरा वाटर मॉलिक्यूल, बाहर निकलेगा वाटर निकलेगा तो बचता क्या है, एस्टर लिंकेज. सो योर आंसर इज राइट देयर. सो CH2 CH2 O, सी डबल बॉन्डो, बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्डो, N. ठीक है, ये रहा मेरा एस्टर का लिंकेज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड द प्रोडक्ट इज वॉट, पॉलीएस्टर. दूसरा नाम क्या है पॉलीएस्टर का, इट इज कॉल्ड टेरिलीन. सो दे कैन आस्क यू, गिव द सिंथेसिस ऑफ टेरिलीन, गिव द सिंथेसिस ऑफ पॉलीएस्टर, और गिव द सिंथेसिस ऑफ डैक्रॉन. इट मीन्स द सेम थिंग. नेक्स्ट, नाउ आई हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ योर पॉलीमर चैप्टर. और भी बहुत सारे बट ये तो पक्का. हाँ, एक रबर का भी करना है. यस यस, रबर रबर. ठीक है, बूना एस भी कर लो. बूना एस इज योर रबर. इसके रिएक्टेंट्स आपको पूछते हैं, 1.3 ब्यूटाडाइन और दूसरा रिएक्टेंट है स्टाइरीन. Both of them you have to keep in mind. Buna S kya hai? It is an alkene. Both of them are alkenes. 1.3 butadiene is literally the IUPAC name, so you don't have to worry. 4 carbons. Bute matlab 4 carbon. 1 or 2 ke beech mein double bond. 3 or 4 ke beech mein double bond. Then fill in the hydrogens. This is CH2 CH CH CH2. Yes, 1.3 butadiene. React this with styrene. Styrene mein you have one benzene ring. उससे अटैच CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. सो व्हेन यू डू दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये हमारा जो है बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, राइट. दीज बॉन्ड्स विल ब्रेक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के साथ. यहाँ पर रेडिकल्स बनेंगे, बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. यहाँ का रेडिकल और यहाँ का रेडिकल जो है बॉन्ड बनाएगा, एंड दैट इज हाउ द चेन इज गोइंग टू ग्रो. यस, सो दिस इज कॉल्ड एज योर रबर. अरे रे रे, कहाँ गया मिस्ट्री ऑफ. ओके, चलो लेट्स गो अहेड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज आवर योर बायोमोलिक्यूल्स. इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर यू योर जो लास्ट पार्ट है वो डीएनए आरएनए वाला पार्ट, दैट इज ओमिटेड. सबसे इजी पार्ट विच वॉज कोलाइडिंग विद बायो, बट वो निकाल दिया है ना. सेंसलेस तरीके से कुछ भी डालते निकालते हैं, क्या करें. So, first branch of biomolecules, of course, you know, biomolecules are responsible for what you are doing in the chat, है ना. बहुत सारी बातें चल रही है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें is possible because biomolecules exist. They are the reasons why cells are being grown, they are dying, we are increasing in height, we are expressing all of our emotions, and all the different processes that take place are because of the existence of biomolecules. अगर आपने एक दिन शपथ लिया कि हम नहीं खाएंगे fats, नहीं खाएंगे carbohydrates, proteins, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो an organism will cease to exist. Yes, so it is a very important essential part of our entire human skeleton.
सो द फर्स्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद वी विल डू अमीनो एसिड्स. यस, लिपिड्स तो सिलेबस से बहुत पहले निकल गया था, प्रीवियसली इट वॉज देयर. सो इफ आई टेक एनी कार्बोहाइड्रेट, यू विल यूजली द यूज द वर्ड सैकराइड, है ना. हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, हम सैकराइड बोलते हैं. मीन्स द सेम थिंग, मैनी मैनी थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर. तो क्लासीफाई करना जरूरी है. सिंपलेस्ट ब्रांच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड्स इज मोनोसैकराइड. यस, वॉट इज मोनो? मोनो आपको पता है मीन्स वन. दैट मीन्स इफ यू टेक अ मोनोसैकराइड एंड यू पुट इट इन वॉटर, इसको अगर मैंने पानी में डाला तो इसका कुछ नहीं होता है, है ना. इट कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर, इससे आपको और छोटा कोई भी सैकराइड नहीं मिलेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ मोनो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सैकराइड. What are the examples? We have glucose, we have fructose, and we have ribose. Please keep at least whatever is given in this chart in mind. है ना, ये examples तो पक्का आपको करने हैं. Because if they ask you what is a monosaccharide or one mark का question, what is a polysaccharide or oligosaccharide, at least examples आपको देने पड़ते हैं. It's not enough just to write it. ठीक है, glucose, fructose, ribose. Oligosaccharide मतलब अगर इसको मैंने पानी में डाला, इसका हाइड्रोलिसिस किया, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू मिनिमम टू और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड्स. एंड अगर 10 को एक्सीड कर लिया, दैट मींस इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड मींस ऑल ऑफ आवर पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स. यू हैव योर स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज. यू कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना. इट इज़ सो ह्यूज, इट इज़ सो वास्ट कि आपको बहुत घंटे घंटे बिताने पड़ेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ दी एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज और स्टार्च, है ना. नॉट पॉसिबल. ग्लूकोज क्या है, टुचुक करके एक सेकेंड में हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ मोनोसैकेराइड. येस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉली. ऑलिगो में देर इज़ फर्दर सब डिविजन बिकॉज यू कैन यील्ड 2 सैकेराइड्स, यू कैन यील्ड 3 सैकेराइड्स, और यू कैन यील्ड टेट्रा. टेट्रा से ज़्यादा तो हम पढ़ते नहीं हैं, बट ऑफकोर्स पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेक्का सब कुछ है. बाय श्री, see you in 12th standard. Okay, so again important examples of disaccharide is sucrose. Sucrose to aapko pata hai, ye to hamara pyara table sugar hai, hai na. So if you take sucrose and you hydrolyze it, you will get one glucose ka unit and you will get one fructose ka unit. This also you have to remember that when it breaks apart, what do you get? Do milta aapko pata hai, it is a disaccharide, but what two? You get one glucose and one fructose. Then we have maltose. Maltose gives 2 glucose units. Ye question aaya hua hai exam mein pehle. Maltose gives which 2 units? Then we have lactose. Lactose gives 1 glucose and 1 galactose. Lactose, you know, is a milk sugar. Hai na, doodh mein jo sugar hai. Of course, sweetness is not that much compared to sucrose. Okay, then we come to trisaccharide. Trisaccharide means if you take raffinose and you put it in water, aapko kya milega? You will get 1 glucose, 1 fructose and 1 galactose. Teen sugar milenge because it will break down into 3 sugars since it is a trisaccharide. Tetra means you will hydrolyze it to get 4. So stachyose will give 1 glucose, 1 fructose and 2 galactose. As I said, please at least do these examples. इसके आगे भी बहुत सारे, बट डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. फॉर योर एग्जाम दिस इज गुड. यस प्रेम. ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर फोकस, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज रिलेटेड क्वेश्चंस कम रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड रिगार्डिंग द रिएक्शंस. बट ओम वी हैव फैकल्टी हु टीच इन मराठी ना, बिकॉज नॉट एवरीबडी इन महाराष्ट्र नोज मराठी. ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना. सो वी हैव फैकल्टी हु टीच इन इंग्लिश, वी हैव इन हिंदी एंड वी हैव इन मराठी, बिकॉज वी हैव टू कवर द एंटायर ऑडियंस. अगर हम सिर्फ मराठी पढ़ाएंगे तो बाकी लोग बोले हमारा क्या होगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ योर ग्लूकोज. तो अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखें, हाउ डू यू ड्रॉ इट? जनरली इफ दे आस्क यू एनी रिएक्शन, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द एंटायर फिशर प्रोजेक्शन, पूरा रामायण उनको नहीं समझाना है. यू कैन जस्ट शो इट इन द कंडेंस्ड फॉर्मेट. तो पहले क्या आपको रिप्रेजेंट करना है कि ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइड, है ना, ये एक एल्डिहाइड है. वेर एज फ्रुक्टोज क्या है? कीटोन है. ओके, सो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला इज वॉट?
सी सिक्स छी ये क्या है? ओके ग्लूकोज इज C6H12O6, यस. वेर एज फ्रुक्टोज इज वॉट? फ्रुक्टोज इज ऑल्सो C6H12O6. दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. दैट मीन्स वॉट आर दे आर आइजोमर्स. कौन से आइजोमर्स? फंक्शनल ग्रुप आइजोमर्स. बिकॉज ग्लूकोज इज वॉट? ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड. वेर एज फ्रक्टोज इज अ कीटोन. है ना? सो वेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर यू हैव टू बी एबल टू शो दैट भाई ये एल्डिहाइड है, कीटोन है. इतना अगर आप सिर्फ लिखोगे ये सफिशिएंट नहीं रहेगा. बिकॉज हाउ डू यू नो दैट? हाउ विल यू शो दैट? ठीक है. सो आई विल रिप्रेजेंट ग्लूकोज. वी हैव CHO विच इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप. बीच में वी हैव CHOH के चार कार्बन्स एंड नीचे वी हैव CH2OH का एक कार्बन. इफ दे आस्क यू द डिग्री ऑफ दीज अल्कोहल्स, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड ये तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है. तो इन ग्लूकोज देर इज़ वन प्राइमरी अल्कोहल एंड फोर सेकेंडरी अल्कोहल्स. ठीक है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत. नाउ इफ आई टेक ग्लूकोज एंड इफ आई पास प्लेन पोलराइज लाइट टू इट, है ना? वॉट इज प्लेन पोलराइज लाइट? जो आपको ट्यूबलाइट से मिलती है रोशनी, वो जो लाइट है इट इज़ वाइब्रेटिंग ऑन ऑल प्लेन्स, है ना? एक्स वाई जेड सारे डायरेक्शंस में इट इज़ वाइब्रेटिंग. मुझे नहीं चाहिए हो ऐसा हो बिकॉज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व अ चेंज इफ़ एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग ऑल द टाइम. तो मैं इसको एक फिल्टर के थ्रू पास करती हूँ, है ना? जस्ट लाइक पानी का फिल्टर रहता है जो कचरे को ब्लॉक करता है, अवॉइड्स अस फ्रॉम ड्रिंकिंग गार्बेज. यस, सिमिलरली हियर इट इज़ अ पोलराइजिंग फिल्टर. दैट मीन्स ये एक लाइट को ही पास करने देगा इन वन डायरेक्शन, है ना? एक ही प्लेन पे होगा. सो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट. व्हेन यू पास दिस प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू मैंने इसको पास कर दिया. दिस ग्लूकोज सॉल्यूशन बेंड्स लाइट, है ना? ये लाइट को राइट के तरफ बेंड कर सकता है, ये लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड कर सकता है. डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ बेंडिंग वी कैन रिप्रेजेंट इट एज डेक्स्ट्रो और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द वर्ड लेवो. हाय प्रतीक. ओके, डेक्स्ट्रो और लेवो. सो इफ दे आस्क यू एक्सप्रेस हाउ ग्लूकोज हैज फोर काइरल कार्बन, तो कैसे दिखाओगे? काइरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन शुड ऑलवेज बी एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. दैट मीन्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि वो काइरल है, है ना? तो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ओके, दिस इज़ योर ग्लूकोज का फिशर मॉलिक्यूल. इसमें आप देखो ये दिस कैन नेवर बी काइरल बिकॉज दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना? एल्डिहाइडिक कार्बन है, दिस कैन नॉट बी काइरल बिकॉज इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? ये मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी काइरल बिकॉज इट हैज़ टू बी बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स. ये वाला देखो, दिस इज़ बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, दिस इज़ वन काइरल, दिस इज़ बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट, दिस इज़ काइरल. तो ये क्या है? चार काइरल कार्बन है. सो इन ग्लूकोज वी हैव फोर काइरल कार्बन्स विच आर ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स. हाय प्रतीक. चलो नेक्स्ट, हाउ डू आई असाइन व्हाट इज डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज? इट डिपेंड्स ऑन दिस स्ट्रक्चर जो है ग्लिसरालडिहाइड. सबसे छोटा पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट इज ग्लिसरालडिहाइड, जिसमें कितने कार्बन है? ओनली थ्री कार्बन आर देयर, है ना? दिस इज़ वन कार्बन, दिस इज़ सेकेंड कार्बन, दिस इज़ थर्ड कार्बन, है ना? सिर्फ तीन कार्बन है. मिनिमम फिशर के लिए आपको तीन तो चाहिए. ये रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर बोलते हैं ना. तो फिशर के लिए एटलीस्ट थ्री कार्बन यू नीड, अदरवाइज हम कैसे बनाएंगे? फिशर मतलब क्रॉस है, दिस इज फिशर. तो वन टू थ्री तो यू नीड फॉर श्योर. यस, नाउ इन ग्लिसरालडिहाइड इफ यू सी दिस लास्ट कार्बन, इसके ऊपर वाला, दैट मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन इज़ योर पॉइंट ऑफ फोकस. हाउ एवर बिग और स्मॉल इज द कार्बोहाइड्रेट डज नॉट मैटर. यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द सेकेंड लास्ट कार्बन एंड सी वेर इज़ द ओ एच. इफ द ओ एच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड देन इट इज़ कॉल्ड एज डी ग्लिसरालडिहाइड और डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, वॉट एवर. एंड इफ द सेकेंड लास्ट कार्बन का ओ एच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन यू विल यूज़ द वर्ड एल.
Yes, so that is your DL configuration. ये जो है ये एक system बना है, because नहीं तो आप कैसे बोलोगे, because so many structures are there, how can you say that something is D or L? You have to assign it with respect to a certain molecule. तो कौन सा है वो molecule? It is glyceraldehyde. Now, once we know that the glucose molecule is going to show many reactions, so let's do that. Reactions जो है glucose के, पहला question आ सकता है कि show that or prove that glucose has one carbonyl group, है ना? कैसे आपको पता? Glucose का और भी कोई structure हो सकता है. The structure that we have drawn, how do you know that it exists? It depends on the reactions that it will show, है ना? तो कैसे दिखाएंगे? पहले आप लिखो ग्लूकोज को CHO CHOH 4, एंड वी हैव CH2OH. इफ़ यू टेक ग्लूकोज एंड इफ यू रिएक्ट इट विद हाइड्रोजन साइनाइड, वॉट इज गोइंग टू हैपन? हाइड्रोजन साइनाइड ऐसा ग्रुप है विच विल ओनली अटैक कार्बोनिल कार्बन्स, और किसी को अटैक नहीं करता. दैट मीन्स इफ इट इज डूइंग अ रिएक्शन, देर इज अ कार्बोनिल कार्बन दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ द एल्डिहाइड एक्सपैंडेड फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग. चलो ये रहा मेरा एल्डिहाइड. दिस साइनाइड इज गोइंग टू लुक फॉर द डेफिशिएंट सेंटर बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है. डेफिशिएंट कौन है? ये कार्बन. डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस. तो ये पॉजिटिव वाले को अटैक करेगा. व्हेन इट अटैक्स द पॉजिटिव वन, ये बॉन्ड खुलेगा बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन पाँच बॉन्ड नहीं बना सकता. तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, और ये CN ने अभी अभी अटैक किया. एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम बुलाते हैं साइनोहाइड्रिन. तो द फैक्ट दैट साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे पास एक ही कार्बोनिल ग्रुप है. दिस इज वन रिएक्शन विच कैन प्रूफ. इफ यू वॉन्ट अनदर प्रूफ, यू कैन रिएक्ट इट विद हाइड्रोक्सिल अमीन विच इज NH2OH. NH2OH इज ऑल्सो अ ग्रुप विच विल ओनली रिएक्ट विद योर कार्बोनिल सेंटर, है ना? तो ये जो डबल बॉन्डेड है इसको तोड़ता है, राइट? एल्डिहाइड का ये जो डबल बॉन्ड है, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल अमीन पार्ट, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. सो यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद दिस. इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्साइम. All of this has been done in chapter aldehyde ketone acid. ठीक है, this product is called as oxime. So the fact that glucose gives you cyanohydrin and it gives you oxime proves that हमारे पास एक carbonyl group तो है. Then we can have another representation. ठीक है, अगर मैंने glucose को लिया and if I react it with bromine water, yes, specifically bromine water. Bromine water का role क्या? It is going to do oxidation. किसका oxidation करेगा? Only aldehyde का oxidation करेगा, which is this person. So I will get COOH, CHOH, 4, CH2OH. Why am I specifying? Because अगर oxidation करना है हम alcohol का भी कर सकते हैं into acid. But bromine water is not going to oxidize alcohol to acid. It can only oxidize aldehyde to acid. If you want to oxidize ये जो terminal alcohol है, इसको भी अगर आपको करना है तो you have to use HNO3. ठीक है, so if you take this and you oxidize it with HNO3, then the above and below alcohol will be oxidized and this product is called as saccharic acid. Yes, so in the question if they ask how do you convert your aldehyde into saccharic acid, you have to oxidize it with HNO3, whereas if you want to convert aldehyde into gluconic acid, then you have to use bromine water. Okay, two different products. Bromine water only oxidizes the aldehyde, whereas the nitric acid oxidizes the aldehyde as well as the primary alcohol. Both of them are acid products. ठीक है, okay. These are all the slightly proving wala questions. Then there is one simple reaction which is direct reduction. Reduction
of glucose. How can you show that? You have your C6H12O6. If you react the C6H12O6 with hydrogen iodide and you heat it, what will happen? All the OH groups are going to get reduced and you will get a straight chain compound, which is C6H14. Iska naam hai N-hexane. Then a complete reduction takes place in the form of, in the presence of concentrated HI, that it reduces all the OH, sare jo CHO wale hai, CHOH wale hai, everything gets converted into CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So this is complete reduction. There is only one reaction which shows complete reduction, that is with HI. Okay, very important guys, pure chapter mein glucose reactions come repeatedly. It's not a one time thing, it comes multiple times. So please do it. Chalo. Now that we have explained or proven that how the glucose has a carbonyl group, how glucose has a primary alcohol, how it has alcoholic groups. There is also a problem which arises when you react it with multiple reagents. Kuch reagents ke saath toh khush hai, hai na? It shows ki haan bhai aldehyde group hai. But when you react it with some other reagents like sodium bisulfite, usually aldehyde has to react with sodium bisulfite to give an addition product. But glucose aisa nahi karta. Kyun nahi karta? If you take it ammonia ke saath bhi react nahi karta. Karna chahiye, if it is an aldehyde, it should react with ammonia. Schiff's reagent is a test for detection of an aldehyde. It is not showing positive test. It reacts with hydroxylamine, but glucose pentaacetate does not react with hydroxylamine. So there are multiple reasons why we have to question ki actually iska open chain structure hai or ring ho sakta hai. So this was explored ki maybe it has a ring structure. So if you look at the ring structure of glucose, let us draw the structure, then the points are understood much clearly. So humko zyada clear ho jata hai ki haan shayad iska closed hai, open nahi hai. So let me draw it. Okay, so this is your glucose ka top aldehyde group, bottom alcoholic group. When you remember the structure, please keep the direction of the OH also in mind. Ki second last, kya kya hai? Right, right, left, right. Hai na? Aise yaad rakhna aapko. Right, right, left, right. Fir H ko bhar do. To jab aap glucose ko lete ho, ye jo carbonyl wala carbon hai, iske upar attack hota hai. Okay, I'll draw it like this. This oxygen of the second last carbon, jo D wala carbon hai, ye mere deficient center ko attack karta hai, hai na? And then this bond will open, this will get converted into OH. So it will look like this. This CH2OH untouched. Ye wala jo carbon hai, second last wala carbon, ye oxygen jo hai, isko attack karta hai upar wala, hai na? इसको अटैक करता है. सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH और ये तो वैसे ही रहेगा. ठीक है, बाकी के सेम है. यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, है ना? ये वाला जो है नया OH अभी बना है. Because this oxygen O minus has got converted into OH, है ना? So this is the new OH that has been formed. So why will I say that OH सिर्फ इसी तरफ होना चाहिए? It can also be on that side, है ना? उस तरफ भी तो हम बना सकते हैं. ऐसे भी तो हम बना सकते हैं. Why should it only be that side? Yes. So if you draw the OH on the right or on the left, पूरा जो system है nomenclature का वो से बदल जाता है. ठीक है. So this new OH that has been formed, it can either be on the right side or the left side. Which carbon is this? This is the C1 carbon. ठीक है, first वाला carbon है. बाकी सब ग्रुप्स को वैसे ही रखो, राइट, लेफ्ट,
इफ द ओ एच इज ऑन द राइट हैंड साइड देन वी कॉल इट अल्फा, है ना, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है. वेर एज इफ द ओ एच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो हम क्या बुलाते हैं उसको, बीटा. सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. तो अल्फा बीटा एंड डी एल आर वेरी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नेमिंग. डी एल कहाँ पर हम पहचानते हैं, ये वाले कार्बन से, सेकेंड लास्ट कार्बन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट डी एल. वेर एज अल्फा बीटा हमको ऊपर से मिलता है, सी वन कार्बन से अल्फा बीटा पता चलता है. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज गाइस. दे कुड डायरेक्टली जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, शो द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज और या शो द एसिटाल प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज. तो यही आपको ठीक से बनाना है. तो कीप द डायरेक्शंस इन माइंड, राइट लेफ्ट वाला. चलो, नाउ दीज टू आइसोमर्स दैट आई हैव गॉट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इनमें फ़र्क क्या है, दैट सी वन कार्बन पे मेरा एक ओ एच राइट में है, वेर एज एक ओ एच लेफ्ट में है. तो यू माइट थिंक इट्स वेरी सिमिलर, है ना, एवरीथिंग लुक्स द सेम, हाई शिवम, बट इट इज़ नॉट. बोथ ऑफ देम हैव वेरी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव डिफरेंट रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बट दे आर बोथ क्रिस्टलाइन. एंड इफ यू कीप दिस अल्फा डी ग्लूकोज, इट कैन कन्वर्ट इंटू बीटा डी ग्लूकोज एंड इट कैन ऑल्सो डू इट थ्रू अ पर्टिकुलर रोटेशन. तो इसको अगर मैंने रोटेट किया थ्रू 111 डिग्रीज तो मुझे मिलेगा ओपन चेन फॉर्म. वेर एज ओपन चेन फॉर्म को अगर मैंने रोटेट किया थ्रू 19.2 डिग्रीज देन आई कैन गेट द बीटा डी फॉर्म, राइट. प्लस मीन्स क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, माइनस मीन्स एंटी क्लॉक वाइज. ओके, सो वी गेट अल्फा डी बीटा डी एंड वो जो है शफल होते रहते हैं. दिस फिनोमेना जहाँ पर वो शफल हो सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन. सो इफ अल्फा और बीटा के बीच में यू आर एबल टू शफल देम एंड कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन, है ना. रोटेशन मतलब रोटेट होना, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग थ्रू डिफरेंट एंगल्स. ये 111 के थ्रू हो रहा है एंड ये हो रहा है 19.2. ठीक है, नेक्स्ट these two carbons that we just discussed, ये कहाँ गया, हाँ, ये alpha d और beta d differing only at the c1 carbon, the relationship between them they are anomers. अगर difference at c1 carbon is only in an OH at the right or in, or the left, the phenomena is called as or the relationship is called as anomer. तो alpha d glucose and beta d glucose are anomers of each other. Okay, so there are certain term, muta rotation means shuffling, alpha beta means relationship. Okay, now if I have drawn the cyclic structure of glucose like this, ye galat nahi hai, ye right hai, but a better way to draw it is what, how, Vaibhavi, what is your doubt, bachchu? सैडली इधर थोड़ा लैग होता है ना टाइम. ओके, ठीक है. ओके, सो बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर साइक्लिक स्ट्रक्चर इज हैवर्थ प्रोजेक्शन. तो हैवर्थ प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा रिंग बना है ये ग्लूकोज का, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5. वी नो ग्लूकोज है 6 कार्बन, बट रिंग फॉर्मेशन में 6 पार्टिसिपेट नहीं करते, एक बेचारे को बाहर फेंक दिया है ना. तो रिंग के अंदर सिर्फ 5 है. तो व्हाट डज इट रिजेंबल, इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच इज पायरान, है ना. पायरान जैसा लगता है ये, पायरान लुक्स लाइक दिस. यस, सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ पायरान. तो हम उसको क्या बुलाते, वी कॉल इट ग्लूकोपायरानोस, बिकॉज वो पायरान के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है. ओके वैभवी, ओके. सो इफ यू लुक एट द हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ योर ग्लूकोपायरानोस, यू कैन हैव अल्फा डी बीटा डी. हमने डिस्कस किया अल्फा डी बीटा डी डिफर्स ओनली एट वन कार्बन, विच इज दैट कार्बन, कार्बन नंबर 1, सी वन कार्बन. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाला जो कार्बन है ये रहता है सी वन कार्बन. इसमें अगर ओ एच इज एट द बॉटम साइड देन वी कॉल इट अल्फा, if the OH is on the top side we call it beta. okay, acetal mein kya tha, right mein tha to alpha, left mein tha to beta. Havertz mein niche hai to alpha, upar hai to beta. these are just systems,
देर इज़ नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बिकॉज कुछ तो आपको फिक्स रखना पड़ेगा, फिर ही हम पूरी दुनिया को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव अल्फा बीटा डन. एंड इफ़ यू टेक माई ग्लूकोज एंड इफ़ यू यूज़ टॉलेंस रिएजेंट, तो फिर ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है. दैट मीन्स इट हैज़ अ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, है ना, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल है, इसीलिए तो वो रिड्यूस कर पाता है. सो वॉट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट इज एबल टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट. दोनों टेस्ट पॉजिटिव, टॉलेंस एज वेल एज फेलिंग. सिमिलरली यू विल डू इट फॉर फ्रुक्टोज ऑल्सो. जो भी हमने डिस्कस किया, हैवर्स प्रोजेक्शन, फिशर फॉर्मूला, एवरीथिंग इज द सेम फॉर फ्रुक्टोज ऑल्सो, सो आई विल नॉट रिपीट इट. योर पॉलीसैक्राइड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो सेल्यूलोज वो सब कुछ नहीं है, है ना. सो यू जस्ट हैव टू डू सुक्रोज करो और फ्रुक्टोज करो, यू विल बी गुड टू. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज योर प्रोटीन, और ये फाइनल है हमारा आज के लिए. ठीक है, सो प्रोटीन्स तो यू नो बहुत ही ज़्यादा, इट हैज़ बीन अ पॉइंट ऑफ फोकस फॉर द पास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, है ना. पहले इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, बट नाउ पीपल आर कम्प्लीटली मैड, है ना, पूरे पागल हो चुके हैं प्रोटीन के पीछे. एवरी अदर बायोमोलिक्यूल इज़ फीका इन फ्रंट ऑफ इट, इवन दो आर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑल ऑफ देम. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स, बट एन एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड, है ना. हमको पता है हर एक चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, बट आप बहुत ज़्यादा लेते हो, है ना. कुछ लोग 20 अंडे खाते हैं दिन में, है ना, बिकॉज दे वॉन्ट टू बल्क. नेचुरली एवरी वन बॉडी इज़ वेरी डिफरेंट, राइट. सम पीपल आर वेरी लीन, सम पीपल आर मोर मीटी देन अदर्स. सो इफ यू टोटली डिस्टरप्ट योर बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग, हाउ डज दैट सीम ओके? आई हैव नो आइडिया, है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो नेचुरली वेरी लीन. तो ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐसा होना है, वो हो ही नहीं सकता, है ना, बिकॉज माई बॉडी इज ओनली नॉट लाइक दैट. सो आई विल नॉट ट्राई टू मेस विद इट टू मच, है ना. ऑफकोर्स यू कैन डू थिंग्स इन हेल्दी मॉडरेशन. सो एवरी प्रोटीन दैट यू नो कंसिस्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. सो अल्फा रिप्रेजेंट्स द कार्बन राइट नेक्स्ट टू योर फंक्शनल ग्रुप, एंड इट ऑल्सो हैज NH2 एज वेल एज सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स. So the general formula of a protein has to be discussed. In this we have one carbon here. It is bonded to a C double bond OH group. This C double bond OH group is attached to a carbon which is called as your alpha carbon. इस पे अगर मेरा NH2 है, this is alpha amino acid. है ना? बाकी क्या है? There is an R and there is an H. Yes, this R can be variable. Everything else is going to be fixed. You cannot change this H. You cannot change this NH2. You definitely cannot change this COOH. But what you can do is take different kinds of alkyl groups and you will get different kinds of amino acids. So there is an entire table where we have multiple acids and they all have different strengths, right? Some are neutral, some are acidic, some are basic. But the ones that are represented by a star, right, these you should for sure do, you know, at least the initial ones you should do, like glycine, alanine, if not all of them, the ones that are repetitively asked, at least keep a few examples in mind. Okay, so all of these amino acids, if you want to combine them, you will get your protein, you know, because proteins are made of amino acids. Now, when you are building a protein or you are trying to classify a protein, there are two types. One we have is globular, one we have is fibrous. Glob means something which is round, right? So, globular proteins, kaise rehte? They are spherical. Yes. So, ye kaise rehte? They are spherical in shape. Kaise honge spherical? Because of coiling. Because of coiling, they can get a spherical shape. If you see, they are usually soluble in water. You know, they can ask you, explain the types of proteins or give an account of what are globular proteins. Spherical hai, coiling dikhate, and they are soluble in water. Example bhi you should know. One is your egg albumin. And we also have serum albumin. Two examples, keep it in mind. Egg albumin and serum albumin. Fibrous proteins, on the other hand, are of course not
coiled because you know how a fiber, like your nylon fiber, your any fiber, it is not coiled, right? It is elongated, rod-like shaped. So these have elongated or rod-like shape. Yes, they are definitely going to be held together by some type of bonds. So kaun in fibers ko ek saath rakh raha hai? If this is one fiber, this is another fiber. What is keeping these fibers together is hydrogen bond. Right, hydrogen bonds are keeping them together. In some cases, sulfur is there, so disulfide bond bhi hota hai. Okay, what are the examples of fibrous proteins? Keratin, which every shampoo these days claims to have keratin in it. Then we have your myosin, which is there in muscles. Yes, so hair, skin, nails, everything has keratin. Myosin is there in your muscles. Okay, so these are the short points of globular as well as fibrous proteins. Structure of proteins, there are four structures: primary, secondary, tertiary, quaternary. But these are omitted from your syllabus. We only have primary structure. And the most important point about primary structure is the sequence of your amino acid. If you change the sequence of your amino acid, then the entire primary structure or that protein itself changes. Right, so if I have a protein which is made of alanine, glycine, glutamine, ठीक है, ये मेरा है कोई तो protein, alanine, glycine, glutamine. If I feel like चलो इसको musical chairs करके उल्टा कर देते हैं, I make it alanine, glutamic acid and glycine. This protein is going to be different from this protein, even though you think that the amino acids are similar, but the sequence is of prime importance, है ना? Sequence बहुत matter करता है. सीक्वेंस बदल दिया तो अमीनो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो जस्ट कीप अ फ्यू ऑफ देम इन माइंड. ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ऑफकोर्स द लास्ट वाला पार्ट तो ओमिटेड है, सो कोई बात नहीं. ओके, सो इन केस यू गाइज हैव नॉट येट डाउनलोडेड द ऐप, यू डेफिनेटली शुड. वी हैव स्पेशल क्लासेज विच आर कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन by multiple educators. I take them mostly alternate days. So the next special class for HSC 12th is going to be today evening, 6:30 ko hoga. So agar aapne abhi tak download nahi kiya hai, to aap app ko download kar sakte hain. So that you can join me at 6:30 PM. We'll be doing questions on physical chemistry. Yes, random mixed questions honge on physical chemistry. So you can revise all the formulas and come. वहाँ पर वी हैव इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन, एंड देर इज़ अ पोल वाला फीचर जहाँ आई विल गिव यू फोर ऑप्शंस. एक ऑप्शन राइट है, इफ़ यू सिलेक्ट दैट ऑप्शन यू विल गेट फीचर्ड इन द टॉप 10 एंड दैट विल बी ग्रेट. ठीक है, सो द स्टेप्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. यू हैव टू सिलेक्ट योर कैटेगरी एज HSC 12, देन यू विल गेट नोटिफाइड. येस, आस्क अ डाउट फीचर इज़ अवेलेबल ऑन योर ऐप एज वेल एज ऑन द वेबसाइट. सो विच एवर यू फील कम्फर्टेबल और यू आर यूजली यूजिंग, गो अहेड एंड गेट योर डाउट्स क्लियर्ड. रेज हैंड फीचर तो बच्चे नाउ डेज दे आर यूजिंग इट अ लॉट, बिकॉज यूजली 12th वॉज अ लिल लो, 11th यूज यूज इट मच बेटर, बट नाउ एवरीबडी इज, दैट्स ग्रेट. अन अकेडमी पेरेंट ऐप है, विच क्या बोले हम, है ना, बच्चे चलाते इसको तो. Test series are there for because now you are coming closer and closer to your HSC 12th board exams, and also उसके बाद आपका MHT CET है जो बहुत सारे HSC के बच्चे देते हैं. तो if you are also an aspirant, then definitely get used to tests, because tests are the only way, MCQs and questions are the only way for good marks, right? So my code is VMMAAM live. With this code, you will get a discount of 10% if you plan on taking the subscription. From 14th Feb, एक MHT CET का batch start हो रहा है मेरा. So if you want to enroll in the CET batch from 14th Feb, where we'll be covering all chapters 11th or 12th के जो syllabus में है practice के लिए, तो आप enroll कर सकते हैं. 14th Feb से 30th April तक चलेगा batch. तो you will get good practice. तो batch का अगर access चाहिए तो you have to use the plus subscription. Okay, so hope to see you there guys. If not, I will see you in the special class today evening at 6:30 PM. okay, so this is Saturday. Wishing all of you a good weekend and a good preparation journey, jahan par bhi aap ho. Hopefully everyone is having a slightly better state of health,
बिकॉज दैट इज़ की, है ना. अभी तो अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल्सो टुडे इवनिंग. बाय गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग. बाय.